नागपुर में जीता भारत और चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बना ली है बढ़त। लेकिन जीत के बावजूद भी भारतीय कप्तान को दूसरे टेस्ट मैच में करना पड़ सकता है बड़ा बदलाव, जहां पहले मुकाबले में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव के सिलेक्शन पर लटका है तलवार, तो वहीं युवा ओपनर शुभमन गिल को लेकर क्या अब टीम मैनेजमेंट की खुलेगी आँखें, और क्या अब गिल होंगे प्लेइंग 11 में शामिल या टीम इंडिया में होगा एक सरप्राइज एंट्री। क्या रह सकती है भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11, किन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका और किसे करना पड़ सकता है बाहर बैठकर मौके का इंतजार, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है, जिसके पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से रौंद दिया है। नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रनों के बड़े मार्जिन से पीटकर टेस्ट सीरीज को धमाकेदार अंदाज में शुरू किया है, जहां पहले मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी से लेकर टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस लाजवाब रही है। रोहित के बल्ले से रनों की बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी लगभग 7 महीने बाद क्रिकेट में वापसी करते हुए पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतकर ये साबित कर दिया है कि टीम इंडिया के लिए वो कितने बड़े मैच विनर हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल को भी खिलाना भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। अक्षर ने पहली पारी से तो गेंद कोई खास कमाल नहीं किया, लेकिन बल्ले से 9वें नंबर पर आकर 84 रनों की पारी खेली, जिसने मुकाबले में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, जबकि अश्विन ने मुकाबले में 7 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को अकेले ही ढेर किया और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। दूसरी तरफ सिराज और शमी के लिए भी मुकाबला काफी बेहतरीन गया, जहां शमी ने गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाया, जबकि मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की। लेकिन भारतीय टीम के इस बेहतरीन जीत के बावजूद दूसरे टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें, बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दूसरे मुकाबले तक स्टार भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के फिट होने की पूरी संभावना बनी हुई है। श्रेयस फिलहाल NCA में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके बहुत जल्दी फिट होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर दूसरे टेस्ट मैच से पहले श्रेयस अय्यर टीम को ज्वाइन करने में कामयाब रहते हैं तो वो सीधे प्लेइंग 11 में फीचर करते हुए नजर आ सकते हैं। अब चूंकि भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर नंबर 5 की पोजीशन में बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे में पहले मुकाबले में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है। स्काई को श्रेयस अय्यर के लिए जगह खाली करनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ ओपनर KL राहुल का खराब दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हर तरफ से लोग उन्हें बाहर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टीम मैनेजमेंट के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या लगातार फ्लॉप होने के बावजूद टीम मैनेजमेंट राहुल को अभी भी बैक करती है, या फिर उनकी जगह प्लेइंग 11 में खेलने के हकदार माने जा रहे शुभमन गिल को उनका हक दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। इसके लिए कुछ दिनों बाद भारतीय टीम की तैयारी शुरू हो जाएगी, जहां पर ये मुकाबला जीतकर भारत न केवल सीरीज जीतने के एक कदम और करीब पहुंचेगा, बल्कि दूसरा टेस्ट जीतकर टीम इंडिया की एक नज़र ICC की नंबर 1 टेस्ट साइड बनने पर भी होगी। ऐसे में दोस्तों, आपके मुताबिक दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया को किन बदलावों के साथ उतरना चाहिए, अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करने और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।